हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा उपाध्याय और आज करेंगे हम वोकैबुलरी सीरीज की एक और नई क्लास। आज हम कुछ और नए वर्ड करेंगे वोकैबुलरी के, बिल्कुल ट्रिक्स के साथ, जो आप कभी नहीं भूलोगे। तो आइए करते हैं शुरुआत आज की क्लास की। तो आज की क्लास का हमारा सबसे पहला वर्ड है डिस्परेट। देखिए, डिस्परेट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है किसी भी चीज का असमान होना, किसी भी चीज का बिल्कुल संगत ना होना, असंगति होना किसी भी चीज में। इसको कैसे याद करेंगे? देखिए, यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है? यहाँ पर आपको एट वर्ड दिखाई दे रहा है। एट क्या होता है? एट होती है आपकी ईट की सेकंड फॉर्म। तो ईट का मतलब होता है खाना। तो जो खाना होता है वो हर एक देश में कैसा होता है? असमान होता है। इंडिया में कुछ खाया जाता है, चाइना में कुछ खाया जाता है। अगर इंडिया में ही देखें आप तो गुजराती फूड अलग होता है, साउथ इंडियन फूड अलग होता है। तो पूरे देश में या फिर पूरी दुनिया में जो डिश होती है वो कैसी होती है? वो होती है असमान। इसलिए डिस्परेट का मतलब हो जाएगा असमान। अगर बाकी के वर्ड्स देखें हम इससे रिलेटेड, यानी कि अगर इसके सिनोनिम हम देखें तो इसका सिनोनिम होता है डिफरेंट। डिफरेंट आपका जाना पहचाना वर्ड है, बोलते हैं ना ये कुछ डिफरेंट है, यानी कि ये असमान है। यहाँ पर देखिए, ये सारे लोग खड़े हुए हैं, सबका कलर कैसा है? ब्लैक है। लेकिन इसमें एक क्या है? डिफरेंट है। तो डिफरेंट का मतलब होता है असमान होना। नेक्स्ट वर्ड है आपका डाइवर्स। देखिए, डाइवर्स का मतलब भी होता है विभिन्नता होना किसी भी चीज में। आपने सुना होगा ना कि इक्वेटर यानी कि जो विषुवत है वहां पर क्या पाई जाती है? वहां पर डाइवर्सिटी पाई जाती है, यानी कि विभिन्नता पाई जाती है। वहां पर तरह तरह की प्रजातियां पाई जाती हैं, चाहे वो जीव जंतु हो या फिर वो पेड़ पौधे हो। जो विषुवत है वहां पर डाइवर्सिटी पाई जाती है, यानी कि बहुत तरीके के पेड़ पाए जाते हैं, पौधे पाए जाते हैं और बहुत तरीके के वहां पर जीव जंतु पाए जाते हैं। इसलिए डाइवर्स का मतलब भी हो जाएगा आपका असमान। नेक्स्ट वर्ड है आपका वेरिड। देखिए, वेरिड आपका बना है वैरायटी से। जहां पर आप पूछते हो ना कि यहाँ पर सारी वैरायटी का फर्नीचर है, यहाँ पर सारी वैरायटी के कपड़े हैं, तो वैरायटी का मतलब होता है प्रकार। तो वेरिड का मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब हो जाएगा किसी भी चीज का असमान हो रहा, वेरी करना चीजें, यानी कि संगत ना होना चीजों का। तो वेरिड का मतलब भी हो जाएगा आपका असमान। नेक्स्ट वर्ड है आपका डिस्टिंक्ट। देखिए, इसको भी आप डिश से याद कीजिए। यहाँ पर आपने डिश से याद किया था, जिसका मतलब था कि जो होती है पूरी दुनिया में वो कैसी होती है? वो अलग अलग होती है। तो इसको भी आप डिश से ही याद कीजिए। देखिए, आप अगर एक वर्ड के लिए एक ही निमोनिक याद करेंगे तो अच्छा रहेगा। आप एक ही निमोनिक से कई सारे वर्ड्स याद कीजिए ताकि आप चीजें रिलेट कर पाओ। तो यहाँ पर भी आप डिश से ही याद रखेंगे इसको, कि जो डिश होती है पूरी दुनिया में वो कैसी होती है? वो असमान होती है, अलग अलग होती है। तो डिस्टिंक्ट का मतलब भी हो जाएगा आपका असमान। और एक है आपका हेटरोजीनस। देखिए, हेटरोजीनस का मतलब होता है किसी भी चीज का असमान होना। आपने स्कूल में देखा होगा ना, स्कूल में जो ग्रुप बनाए जाते थे स्टूडेंट्स के, वो हेटरोजीनस ग्रुप बनाए जाते थे। क्यों बनाए जाते थे? ताकि जो कम, जिनका मेंटल लेवल कम है, जिन बच्चों का आईक्यू लेवल कम है, वो जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं उनसे कुछ सीख पाए, उनकी बराबरी कर पाए। इसलिए स्कूल में हेटरोजीनस ग्रुप बनाए जाते थे। यानी कि मान लीजिए, अगर 5 स्टूडेंट का ग्रुप बनाया है तो उसमें से 2 स्टूडेंट इंटेलिजेंट होंगे, 1-2 स्टूडेंट बहुत ज्यादा वीक होंगे और 1 मिडिल माइंड लेवल का होगा, मिडिल मेंटल लेवल का स्टूडेंट होगा। तो वहां पर जो ग्रुप्स बनाए जाते थे वो बनाए जाते थे हेटरोजीनस, यानी कि असमान, यानी कि विषमांग ग्रुप बनाए जाते थे वहां पर। तो हेटरोजीनस का मतलब भी हो जाएगा आपका असमान होना। तो इन सभी वर्ड्स का मतलब है असमान होना। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका कोनंड्रम। देखिए, कोनंड्रम का मतलब होता है संकट, या फिर इसे हम एक सेंस में पहेली भी कह सकते हैं। पहेली क्यों कहेंगे इसे? क्योंकि एक ऐसा संकट होता है जो कैसा होता है? जो कंफ्यूजिंग होता है, जो कंफ्यूजन क्रिएट करता है, उस संकट को हम कहते हैं कोनंड्रम। तो देखिए, यहाँ पर आप इसको कैसे याद करेंगे? यहाँ पर एक वर्ड दिखाई दे रहा है आपको, ड्रम। और आपने वो मूवी देखी है अलीबाबा 40 चोर, उसमें वो क्या होते हैं, जो 40 चोर होते हैं वो ड्रम में छुप जाते हैं। तो वहां पर क्या होती है उनकी सिचुएशन? वहां पर जो उनकी सिचुएशन होती है वो होती है संकट वाली। तो कोनन ड्रम का मतलब भी होता है संकट या फिर कंफ्यूजिंग प्रॉब्लम, कोई भी कंफ्यूजिंग सिचुएशन। तो कोनन ड्रम का मतलब हो जाएगा संकट। पजल आपका जाना पहचाना वर्ड है। आप पजल सॉल्व करते हो, आप पहेली सॉल्व करते हो, तो जिसका मतलब होता है कि वो पहेली कैसी होती है आपके लिए? वो पहेली आपके लिए होती है काफी कंफ्यूजिंग। तो पजल का मतलब भी हो जाएगा संकट, या फिर इसको कह सकते हैं कोई भी कंफ्यूजिंग सिचुएशन। देखिए, रिडल और पजल एक जैसे लग रहे हैं सुनने में, रिडल और पजल सुनने में एक जैसे लग रहे हैं, तो इन दोनों का ही मतलब होता है संकट या फिर पहेली। देखिए, नेक्स्ट वर्ड है आपका एनिग्मा।
एनिग्मा का मतलब भी होता है आपका संकट से, यानी कि एक ऐसी मुसीबत जो कंफ्यूजिंग हो, तो एनिग्मा का मतलब भी हो जाएगा संकट या फिर कंफ्यूजिंग सिचुएशन। देखिए डिलेमा तो आपने सुनाई होगा, डिलेमा तो आपका काफी जाना पहचाना वर्ड है, इसका मतलब होता है मुसीबत या फिर संकट, दुविधा इसे कह सकते हैं हम। इसको कैसे याद करेंगे, यहाँ पर आपको दो वर्ड दिखाई दे रहे हैं, एक है दिल और एक है एमा। अब एमा नाम की कोई लड़की है, वो है किसी लड़के के दिल में। अब उस लड़के की सिचुएशन कैसी होगी, उस लड़के की सिचुएशन है अब कंफ्यूजिंग कि वो क्या करे, वो अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे या फिर एमा को दिल में रखे। अपने दिल में वो किसको रखे, पढ़ाई को रखे या एमा को रखे। तो डिलेमा का मतलब हो जाएगा कोई भी दुविधा, यानी कि कोई भी कंफ्यूजिंग सिचुएशन जहां पर समझ में ना आए कि क्या किया जाए। तो डिलेमा का मतलब हो जाएगा संकट या फिर कंफ्यूजिंग सिचुएशन। मिस्ट्री आपका जाना पहचाना वर्ड है, जिसका मतलब होता है रहस्य, या फिर इसको पहेली भी कह सकते हैं, यानी कि एक कंफ्यूजिंग सिचुएशन जिसके बारे में आपको ना पता हो। तो इन सभी वर्ड्स का मतलब हो जाएगा आपका संकट या फिर कंफ्यूजिंग सिचुएशन। नेक्स्ट वर्ड है आपका, नेक्स्ट वर्ड है आपका यहाँ पर इनक्विजिटिव। देखिए इनक्विजिटिव का मतलब जो होता है वो होता है आपका जिज्ञासु। जिज्ञासु मतलब जिसमें कुछ सीखने की बहुत ज्यादा इच्छा हो, जिसमें बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट हो कुछ सीखने के लिए, तो इनक्विजिटिव का मतलब हो जाएगा जिज्ञासु। अब इसको कैसे याद करोगे, इसको याद कीजिए क्विज से। यहाँ पर आपको एक वर्ड दिखाई दे रहा है, वो है क्विज। तो इनक्विजिटिव को याद कीजिए क्विज से, और क्विज लगाने के लिए तो सभी कैसे रहते हैं, जिज्ञासु रहते हैं। आपको जहां पर भी क्विज दिख जाता है आप उसको अटेम्प्ट करना शुरू कर देते हो, तो क्विज लगाने के लिए रहते हैं हम जिज्ञासु, इसलिए इनक्विजिटिव का मतलब हो जाएगा जिज्ञासु। नेक्स्ट वर्ड है आपका क्यूरियस। क्यूरियस आपका काफी जाना पहचाना वर्ड है, जिसका मतलब होता है बहुत ज्यादा जिज्ञासु होना। बोलते हैं ना कि मैं बहुत क्यूरियस हूँ ये जानने के लिए, तो मैं कैसा हूँ, मैं बहुत जिज्ञासु हूँ। तो क्यूरियस का मतलब हो जाएगा जिज्ञासु होना बहुत ज्यादा। इंटरेस्टेड आपका जाना पहचाना वर्ड है, या फिर आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं कि अगर आपको किसी चीज में इंटरेस्ट है, अगर आपको किसी चीज में इंटरेस्ट है तो आप उसको सीखने के लिए कैसे रहेंगे, जिज्ञासु रहेंगे, तत्पर रहेंगे आप उसे सीखने के लिए। देखिए नोजी, नोजी को आप याद कीजिए नोज से। कुछ लोगों को आपने देखा है ना, वो बहुत ज्यादा तांक झांक करते हैं दूसरों की जिंदगी में, वो दूसरों के काम में या फिर दूसरों की जिंदगी में बहुत ज्यादा करते हैं तांक झांक। वो क्या करते हैं, अपनी नोज अड़ाते हैं दूसरों के काम में, अपनी नाक घुसेड़ते हैं दूसरों के काम में। तो नोजी को याद कीजिए नोज से। और जो लोग नोज अड़ाते हैं दूसरों के काम में वो कैसे होते हैं, वो जिज्ञासु होते हैं काफी, वो जिज्ञासु होते हैं उनके बारे में जानने के लिए, इसीलिए तो वो उनके काम में नोज अड़ाते हैं, इसीलिए वो उनके काम में क्या करते हैं, नोज घुसेड़ते हैं, अपनी नाक घुसेड़ते हैं। तो नोजी को याद कीजिए नोज से। और जो लोग दूसरों के काम में नोज अड़ाते हैं वो कैसे होते हैं, जिज्ञासु होते हैं उनके बारे में जानने के लिए। तो नोजी का मतलब भी हो जाएगा जिज्ञासु। इन्वेस्टिगेटिव में आपको एक वर्ड दिखाई दे रहा है इन्वेस्टिगेट, और इन्वेस्टिगेट का मतलब तो आपको पता है, बोलते हैं ना इन्वेस्टिगेशन चल रही है, यानी कि जांच पड़ताल चल रही है। तो इन्वेस्टिगेट जब चल रही होती, इन्वेस्टिगेशन जब चल रही होती है, तो लोग क्या होते हैं, लोग काफी जिज्ञासु रहते हैं कि आखिर क्या रिजल्ट निकलेगा इसका, देखें तो सही परिणाम क्या निकलेगा। तो इन्वेस्टिगेट को याद कीजिए इन्वेस्टिगेशन से। और इन्वेस्टिगेशन जब होती है तो लोग रहते हैं जिज्ञासु जानने के लिए कि इसका क्या परिणाम होगा। तो इन्वेस्टिगेटिव का मतलब भी हो जाएगा आपका जिज्ञासु, या फिर इसको ऐसे भी याद कर सकते हो कि जो लोग इन्वेस्टिगेट करते हैं यानी कि जांच पड़ताल करते हैं, वो होते हैं बहुत ज्यादा जिज्ञासु कुछ जानने के लिए। एक है आपका वर्ड इंट्रिग्ड। देखिए इंट्रिग्ड को आप कैसे याद करोगे, यहाँ पर आपको ट्रिक वर्ड दिखाई दे रहा है, ट्रिक को याद कीजिए आप ट्रिक से। ट्रिक का मतलब क्या होता है, आप किसी की, जैसे कि आप यहाँ पर वर्ड्स ही याद कर रहे हो, ये वर्ड्स आप कैसे याद कर रहे हो, ये आप ट्रिक्स से याद कर रहे हो। और ट्रिक्स जानने के लिए तो हर एक कोई रहता है जिज्ञासु, आप भी यहाँ पर जिज्ञासु हो ट्रिक्स जानने के लिए, इसीलिए आप इस क्लास को देख रहे हो। तो इन ट्रिक का मतलब भी हो जाता है जिज्ञासु होना, काफी ज्यादा उत्सुक होना किसी भी चीज के लिए। नेक्स्ट वर्ड है आपका, नेक्स्ट वर्ड है आपका यहाँ पर विकेरियस। देखिए विकेरियस का मतलब होता है परोक्ष। परोक्ष हम किसे कहेंगे, परोक्ष हम जिसे उसे कह सकते हैं, यानी कि कोई चीज है उसकी जगह पर हमने दूसरा ऑप्शन लगा दिया, दूसरा सब्स्टिट्यूट लगा दिया। यानी कि जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे सकती हूँ, यहाँ पर ये कौन है आपके सामने, ये आपके सामने एक एक्ट्रेस है बॉलीवुड की, और ये सीन है मिमी मूवी का। मिमी पिक्चर आप सभी ने देखी होगी, उसमें ये क्या करती है, उसमें बनती है एक ये सैरोगेट मदर। अब सैरोगेट मदर का काम क्या होता है, वो काम होता है कि वो जो रियल मदर होती है उसको करती है सब्स्टिट्यूट। कैसे
एग्जीक्यूट करती हैं, जो सैरोगेट होता है, सैरोगेट होती हैं, उनका काम होता है कि जो रियल मदर है, यानी कि जिनका एग है उस बच्चे में, जो रियल मदर है वो अपने पेट में उस बच्चे को नहीं पाल सकती क्योंकि उनकी बॉडी उतनी फिट नहीं होती। इसलिए वो बच्चे को कंसीव करने के लिए, बच्चे को 9 महीने पालने के लिए एक दूसरी लेडी को लेती है किराए पर, एक दूसरी औरत को किराए पर लिया जाता है जिसे हम कहते हैं सैरोगेट। तो वो क्या हो गई उस बच्चे के लिए, जो बच्चे के लिए वो जो कोख हो गई, वो हो गई सब्स्टिट्यूट, हो गई वो एक ऑप्शन हो गया उनके लिए। तो इन विकेरियस का मतलब होता है आपका परोक्ष या फिर सब्स्टिट्यूट, जिसका काम कोई दूसरा कर सके उस जगह पर, तो उसे हम कहते हैं विकेरियस। देखिए इनडायरेक्ट तो आपका जाना पहचाना वर्ड है, आपने देखा है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। तो डायरेक्ट स्पीच में किसी भी चीज को डायरेक्ट कहा जाता है, जबकि जो इनडायरेक्ट स्पीच होती है उसमें परोक्ष तरीके से कहा जाता है। तो इनडायरेक्ट का मतलब भी होता है आपका परोक्ष। सेकंड हैंड यानी कि इंसान, आप एक हाथ से काम कर रहे हो और जो दूसरे हाथ की अगर आप हेल्प ले सकते हो वहां पर, तो जो दूसरा हाथ आपका हो गया, जो आपका सेकंड हैंड हो गया उस जगह पर, वो हो गया सब्स्टिट्यूट। यानी कि काम आप एक हाथ से कर सकते थे लेकिन आपने दूसरे हाथ की हेल्प ले ली, तो वो दूसरा हाथ आपके लिए हो गया सब्स्टिट्यूट। तो सेकंड हैंड का मतलब भी होता है कोई भी सब्स्टिट्यूट, जिसे हम कहते हैं परोक्ष। देखिए सब्स्टिट्यूट आपका खुद में वर्ड आ गया यहाँ पर, तो सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है जो किसी दूसरे का काम चलाए, तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट का मतलब भी हो जाएगा परोक्ष। नेक्स्ट वर्ड है आपका सैरोगेट। देखिए सैरोगेट तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, ये क्या कर रही है, जो रियल मदर है उनका काम चला रही है, यहाँ पर उनकी जगह पर काम कर रही है, तो ये भी क्या हो गई, ये एक सब्स्टिट्यूट हो गई उनके लिए, ये एक परोक्ष हो गई उनके लिए, तो सैरोगेट का मतलब भी हो जाएगा परोक्ष। रिप्रेजेंटेशनल, देखिए रिप्रेजेंट करने के लिए हम अपनी कंट्री से किसी को भेजते हैं, हम क्या भेजते हैं, मतलब कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं, वो अपनी कंट्री से किसी एक राजदूत को भेजते हैं अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करने के लिए। अब वहां पर मान लीजिए हमारी कंट्री से कोई गया हमारी कंट्री को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो क्या हमारी पूरी कंट्री गई वहां पर, नहीं गई, तो हमारी पूरी कंट्री का जो सब्स्टिट्यूट था वो कौन था जो वहां पर रिप्रेजेंट कर रहा था हमारी कंट्री को, तो वो क्या था, वो एक परोक्ष था, वो एक सब्स्टिट्यूट था जो पूरी कंट्री को सब्स्टिट्यूट कर रहा था। तो रिप्रेजेंटेशनल का मतलब भी हो जाएगा परोक्ष यानी कि सब्स्टिट्यूट। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट वर्ड है आपका यहाँ पर यूबिक्विटस। देखिए यूबिक्विटस का मतलब होता है सर्वव्यापक, यानी कि कोई भी एक ऐसा इंसान या फिर कोई भी एक ऐसी चीज, कोई भी एक ऐसी वस्तु जो हर जगह प्रेजेंट हो, उसे हम कहते हैं यूबिक्विटस। देखिए यूबिक्विटस मतलब जो हर जगह प्रेजेंट हो, हर जगह प्रेजेंट हो, जहां देखो वहां वो चीज हो, तो उसे हम कहते हैं सर्वव्यापक। सर्वव्यापक इसे हिंदी में कहा जाता है। इसके सिनोनिम अगर हम देखें तो इसका सिनोनिम होता है ओमनीप्रेजेंट। और मैंने आपको एक बात बताई थी कि ओमनी का मतलब होता है ऑल से, जैसे कि होता है ना ओमनीवोर्स, जो सब कुछ खाता हो, ओमनीशिएंट जो सब कुछ जानता हो, ओमनीपोटेंट जिसमें सबसे ज्यादा ताकत हो, तो ओमनीप्रेजेंट जो हर जगह प्रेजेंट हो, जो ऑल एंड एवरीवेयर प्रेजेंट हो, उसे हम कहेंगे ओमनीप्रेजेंट, यानी कि जो सर्वव्यापक हो, जो हर जगह प्रेजेंट हो। वाइड स्प्रेड, देखिए वाइड स्प्रेड का मतलब भी होता है सर्वव्यापक। स्प्रेड, स्प्रेड का मतलब होता है किसी भी चीज का फैलना, तो स्प्रेड यानी कि कोई चीज फैल गई है तो वो कैसी है, वो सर्वव्यापक है। कोई चीज फैल कर कैसी हो जाती है, सर्वव्यापक हो जाती है, तो वाइड स्प्रेड का मतलब भी हो जाएगा आपका सर्वव्यापक। देखिए परवेसिव, परवेसिव को कैसे याद करेंगे, परवेसिव को याद कीजिए पर से याद कीजिए परम, और परम कैसे है, शिव है, शिव जो परम है, जो परम शिव है। अब भैया आप सब तो जानते हो जो परम शिव है वो कैसे है, वो सर्वव्यापक है, हर जगह विद्यमान है, कण कण में शिव विद्यमान है, पत्थर पत्थर में शिव विद्यमान है। तो परवेसिव का मतलब हो जाएगा कि जो परम शिव है वो कैसे है, वो सब जगह विद्यमान है, तो परम शिव का, वो परवेसिव का मतलब हो जाएगा आपका सर्वव्यापक। यूनिवर्सल, यूनिवर्सल आपका बना है यूनिवर्स से, यूनिवर्स का मतलब होता है हिंदी में ब्रह्मांड, और जो चीज पूरे ब्रह्मांड में प्रेजेंट हो तो वो चीज कैसी हो जाएगी, वो चीज हो जाएगी यूनिवर्सल यानी कि सर्वव्यापक। और एक है आपका एवरीवेयर, एवरीवेयर यानी कि हर जगह, प्रत्येक जगह, तो एवरीवेयर का मतलब भी हो जाएगा सर्वव्यापक। नेक्स्ट वर्ड है, ओके आज की क्लास के वर्ड्स होते हैं आपके यहीं पे कंप्लीट। अगर ये क्लास आपको पसंद आई है, यूजफुल लगती है, तो इसे लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल अब जीतेंगे को। थैंक यू।